हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील सिंह आपका क्विक रिवीजन मास्टर चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि सभी वनडे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न स्थलों में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है, तो वो हो जाएगा हड़प्पा। अगला है, निम्नलिखित चारों में से कौन सा एक वेद नहीं है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये जो है एक यजुर्वेद होता है, आयुर्वेद नहीं है, इसको आप याद रखिएगा। अगला है, रथ यात्रा यह प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है, जगन्नाथपुरी में सब मनाया जाता है, और जगन्नाथपुरी कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है, आगे देखते हैं। बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था, तो इसका उत्तर होगा सारनाथ में। अगला है, 92वें संविधान संशोधन के साथ कितनी नई भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई, तो उसका उत्तर है 4। अगला है, यूनानी राजदूत मेगस्थनीज को किसके दरबार में भेजा गया था, तो उसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है, तराई के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था, तो उत्तर है मोहम्मद गौरी। अगला है, चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका उत्तर होगा राणा कुंभा। अगला है, पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन थे, तो इसका उत्तर होगा एम के गांधी। अगला है, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी, इसका उत्तर होगा लंदन में। अगला प्रश्न है, भारत कोकिला किसे कहा जाता है, इसका उत्तर होगा सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का लाहौर सत्र जिसमें पाकिस्तान के गठन का संकल्प पारित हुआ, कब हुआ था, उत्तर है 1940 में। अगला है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है, इसका उत्तर होगा लगभग 8.5 मिनट। आगे देखते हैं, निमोनिया में कौन सा रोग होता है, ये इसको देखिए, ये वाला इसमें दिए है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है, तो उत्तर होगा वरुण। अगला प्रश्न है, नक्षत्र एक्वेरियस का भारतीय नाम क्या है, वो हो जाएगा कुंभ। अगला है, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के रूप में काम करता है, तो इसका उत्तर होगा पोइनी जीवाणु। अगला है, पूर्व मध्य रेलवे ECR यानी ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे बनने से पहले सोनपुर और समस्तीपुर मंडल निम्नलिखित किस रेलवे के हिस्से में थे, तो उत्तर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी रेलवे। अगला प्रश्न है, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, उत्तर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश राजधानी का जोड़ा सही नहीं है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, कनाडा की राजधानी ओटावा, और भूटान की राजधानी थिम्पू, और जापान की राजधानी बीजिंग बता रहा है, इसलिए यह नहीं होगा। अगला प्रश्न है, मिट्टी के कटाव के लिए निम्न में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो इसका उत्तर होगा हवा और पानी की क्रिया। अगला प्रश्न है, मानव के वर्टिब्रल कॉलम में कितने होते हैं, कॉलम में होते हैं कितने होते हैं, 33 वर्टिब्रा। अगला प्रश्न है, ह्यूमरस हड्डी कहाँ होती है, तो इसका उत्तर होगा ऊपरी भुजा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो उसका उत्तर होगा फेफड़े। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है, तो उसका उत्तर होगा ऑक्सीजन का। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण RBC किस में बनते हैं, तो अस्थि मज्जा बोन मैरो में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में एक जानकारी आगत करने पर यह बन जाती है क्या, आंकड़े बन जाती डाटा। अगला प्रश्न है, बुला चौधरी किस खेल से संबंधित हैं, इसका उत्तर होगा तैराकी। अगला प्रश्न है, वह साधन डिवाइस जो कंप्यूटर को आपातकालीन बिजली उपलब्ध कराता है, वोल्टेज संचालित करता है और बिजली के करंट के अधिक प्रभाव से बचाता है, को कहते हैं, क्या कहते हैं, उसका उत्तर होगा UPS।
अगला प्रश्न है, पूर्णतया काले पिंड की अवशोषित शक्ति है कितनी होती है? एक। अगला प्रश्न है, किसी द्रव्य का क्वथनांक, ऑप्शन है घुलनशील ठोस पदार्थ मिलाने से प्रभावित होता है, दबाव में वृद्धि से बढ़ता है, तो इसका उत्तर यही वाला है, दबाव में वृद्धि से बढ़ता है। अगला प्रश्न है, एक बस एक निश्चित दूरी के आधे भाग को V1 गति से और दूसरे आधे भाग को V2 गति से तय करती है, बताएं कि कुल यात्रा में औसत गति कितनी है? इसका उत्तर होगा 2V1V2/V1+V2। अगला प्रश्न है, निम्न में से डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर होगा अल्फ्रेड नोबेल। अगला प्रश्न है, समस्थानिक तत्व के वैसे परमाणु हैं, तो मतलब ऐसे परमाणु हैं जिनका समान परमाणु क्रमांक होता है परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे प्रोटियम हो गया 1s2 हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं, 1s2 1s एक 1s1 होता है, 1h1 1s2 1s3, तो 1s1 का प्रोटियम, 1s2 का ड्यूटेरियम और 1s3 का ट्राइटियम, ये जो है हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक हो गए, यानी परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार भिन्न है, इस वजह से हम समस्थानिक कहेंगे। तो अगला प्रश्न है, अम्ल पदार्थ हैं तो वो कैसे होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, तत्व के सबसे छोटे कण को कहते हैं, तो उत्तर होगा परमाणु। अगला है, भारतीय संविधान की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? इसका उत्तर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उच्च न्यायालय का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रादेशिक क्षेत्र अधिकार है? इसका उत्तर होगा कोलकाता। अगला प्रश्न है, प्रोटोकॉल के अनुसार भारत में राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा है? इसका उत्तर होगा भारत का उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत के राष्ट्रपति द्वारा किन की नियुक्ति नहीं की जाती है? इसका उत्तर होगा राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो भारत के राज्यपाल करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राज्य के, भारत के नहीं, राज्य के राज्यपाल करते हैं। अगला प्रश्न है, इस्पात के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान बताइए, तो 5वां है। अगला प्रश्न है, थर्ड मानदंड क्या है? इसका उत्तर होगा बैंकों हेतु वैश्विक पूंजी मापदंड, ठीक है, मतलब बेसल थर्ड है ये। आगे देखिए, राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करते हैं, इसका कार्यकाल क्या होता है? तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, दोनों में जो पहले हो। अगला प्रश्न है, मौर्य काल के 80 स्तंभों वाले असेंबली हॉल के खटहर किससे संबंधित हैं? इसका उत्तर होगा कुम्हरार पटना। अगला प्रश्न है, यह राज्य भारत के कॉफ़ी और सिल्क के उत्पादन में 70% का योगदान देता है, इस राज्य का नाम बताएं? तो इसका उत्तर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, एब और फ्लो क्या है? इसका उत्तर होगा नासा का एक गुरुत्व मैपिंग उपग्रह। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका GDP सकल घरेलू उत्पाद में अधिकतम योगदान है? इसका उत्तर होगा टर्सरी सेक्टर में। अगला प्रश्न है, किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, इसमें किसी भी कार्यवाही को संपादित करने के लिए कितने न्यूनतम सदस्यों की आवश्यकता उपस्थिति होना अनिवार्य है? तो इसका उत्तर होगा सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 1/10। अगला प्रश्न है, किसी पेड़ की शाखा को जोर से हिलाने पर पत्तियां गिरती हैं, इस घटना की व्याख्या होती है गति के, यानी न्यूटन के प्रथम नियम से, यानी इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। 5वां और 7वां देखिए, 5 सितंबर अध्यापक दिवस को किसका जन्मदिन होता है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो ये थे महत्वपूर्ण 50 GK के प्रश्न, इन्हें आप लोग नोट्स में लिख करके याद कर लीजिए, और यदि आप लोगों को मेरे बनाए वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं भी वो अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके आपको उपलब्ध करा सकूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।